नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। इस वक्त की बड़ी खबर, ड्रग्स मामले की तहकीकात कर रही एनसीबी की टीम ने आज सुबह सुबह रिया चक्रवर्ती के घर पर छापे मारे हैं। रिया और उनके भाई शोविक की चैट सामने आने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने तड़के रिया के घर छापेमारी की। करीब 4 घंटे तक घर के चप्पे चप्पे की पड़ताल के बाद एनसीबी की टीम ने एक लैपटॉप को अपने कब्जे में लिया है और इसके बाद जांच एजेंसियां शोविक को अपने साथ पूछताछ के लिए लेकर चली गईं। बताया जा रहा है कि एनसीबी को इस मामले में कई सबूत मिल चुके हैं। रिया के अलावा इसी मामले में सुशांत के करीबी सैमुअल मिरांडा के घर पर भी छापा पड़ा है और छापेमारी के बाद जांच की टीम ने मिरांडा को हिरासत में लिया है। इस मामले में एनसीबी की टीम ने शोविक, सैमुअल, जैद और बासित को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की तैयारी कर रखी है। ग्राउंड जीरो से न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कसने लगा है रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती पर शिकंजा। एनसीबी की टीम ने रिया के घर पर बोला धावा। ड्रग्स से जुड़े सबूतों की तलाश में रिया के घर पर छापेमारी। बीते कुछ दिनों से ड्रग्स से जुड़े मामले की जांच जितनी तेजी से हो रही थी, इस मामले में जिस तरह से रोज रोज नए खुलासे हो रहे थे, उसके बाद रिया चक्रवर्ती के भाई पर एनसीबी का शिकंजा कसता जा रहा था। आज सुबह पहले मुंबई में हलचल तेज होती, उससे पहले ही रिया चक्रवर्ती के घर एनसीबी की टीम पहुंच गई थी। बताया गया कि रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती के ठिकाने पर ड्रग्स से जुड़े सबूतों की तलाश में एनसीबी की टीम ने वहां धावा बोला। जिस वक्त एनसीबी की टीम पहुंची, न्यूज 18 मौके पर मौजूद था। रिया के घर के बाहर आप देख सकते हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पहुंची और ये देखिए, ये लाइव तस्वीर हम दिखा रहे हैं। देखिए मुंबई पुलिस रिया के घर पर, देखिए सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम एनसीबी की टीम एनसीबी के सूत्रों की माने तो ड्रग्स मामले में अब तक जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ में कई अहम सुराग मिले हैं। इस मामले में कई आरोपियों ने रिया और शोविक का नाम लिया है। खास तौर पर शोविक चक्रवर्ती के खिलाफ जांच एजेंसी को ठोस सबूत मिल चुके हैं। इतना सब होने के बाद शोविक के ठिकाने पर कभी भी छापेमारी की संभावना बढ़ गई थी, इसलिए जब एनसीबी की टीम ने रिया और शोविक के ठिकाने पर धावा बोला तो मुंबई पुलिस से पहले न्यूज 18 की टीम सांताक्रूज इलाके में मौके पर पहुंच चुकी थी। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से एनसीबी की टीम के पहुंचने से पहले मुंबई पुलिस भी रिया के घर पहुंच गई और मीडिया को अपार्टमेंट के अहाते में जाने से रोक दिया। ये अशोभिक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती के इंद्रजीत चक्रवर्ती का घर है सांताक्रूज में और यहाँ पर अब से करीबन 5 मिनट पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की करीबन 5 सदस्यीय टीम जो है यहाँ पर पहुंची और आप देख सकते हैं जो मुंबई पुलिस है उसको साथ में लेके यहाँ पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने यहाँ पर सर्च ऑपरेशन के लिए यहाँ पे पहुंची है। एनसीबी के सूत्रों का दावा है कि ड्रग्स के केस में बासित परिहार की गिरफ्तारी के बाद शोविक और सैमुअल मिरांडा के खिलाफ कुछ पुख्ता सबूत हाथ लगे हैं। जो वासिद नाम का जो शख्स है जो बांद्रा वेस्ट में रहता है वो सबसे अहम किरदार है और उसने अपनी पूछताछ में ये कबूल किया है कि वो करीबन 2 साल से शोविक को जानता था और इसी परिवार में उसका लगातार आना जाना था। यहाँ पर परिवार के हर सदस्य को जो वासिद है वो लगातार जानता था। मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी और बता दूं, वासिद बांद्रा वेस्ट में रहता है, वो एक छात्र है और लॉकडाउन के बाद उसने ड्रग्स के धंधे से जुड़ना शुरू करा। इसी के बाद शोविक के साथ ही सैमुअल मिरांडा के घर भी जांच टीम के पहुंचने के अनुमान लगाए जाने लगे और हुआ भी ऐसा भी। जांच टीम से जुड़े एक अधिकारी ने न्यूज 18 को बताया कि शोविक के साथ सैमुअल मिरांडा के घर भी छापेमारी की गई, यानी सुबह सुबह एनसीबी की टीम ने 2 ठिकानों पर छापेमारी की। शोविक और सैमुअल मिरांडा के घर छापे पड़े। शोविक और मिरांडा के खिलाफ पुख्ता सबूत मिलने के बाद छापेमारी हुई। सर, क्या कहाँ कहाँ सर्च ऑपरेशन चल रहा है? इट्स जस्ट अ प्रोसीजरल मैटर एनडीपीएस एक्ट, दैट्स व्हाट वी आर फॉलोइंग। ओके, प्लीज काइंडली लेट अस डू आवर जॉब, दैट इज व्हाट द रिक्वेस्ट। ओके सर, कहाँ कहाँ सर्च चल रहा है? सर, सैमुअल, सैमुअल के घर पर भी चल रहा है सर। रियर हाउस एंड सैमुअल के यहाँ पे सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ड्रग्स होने का कोई इनपुट मिला है? नहीं।
रिया और शौवे के ठिकाने पर छापेमारी के बाद रिया के भाई की ड्रग शॉपिंग का सच सामने आ चुका है। माना जा रहा है कि एनसीबी की जांच से सुशांत की मौत की वजह जानने में मदद मिल सकती है, खासकर ये पता करने में कि क्या रिया की ड्रग्स पार्टी के पार्टनर ही सुशांत की मौत के जिम्मेदार हैं। अब तक एनसीबी के हत्थे चढ़े जैद, बासित, ऋषभ, गौरव आर्या में किसी ने भी सुशांत के बारे में ड्रग्स को लेकर कोई ठोस बयान या सबूत नहीं दिया, लेकिन इनमें से ज्यादातर ने रिया और उसके भाई से जान पहचान और बातचीत की बात मानी। यही नहीं, कई आरोपियों ने शौविक से ड्रग्स की लेन देन को लेकर काफी कुछ साझा किया। हालांकि रिया की जुबान कुछ कह रही है और उसके चैट कुछ और बता रहे हैं, लेकिन बयानों के विरोधाभास के बावजूद सबूत मिलने पर रिया की ड्रग्स कंपनी बच पाएगी ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता। और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो संवाददाता जुड़ रहे हैं एनसीबी दफ्तर से, अरुण सिंह जुड़ रहे हैं, साथ ही विवेक गुप्ता भी एनसीबी दफ्तर से ही जुड़ रहे हैं। अरुण, सबसे पहले ये बताइए अपडेट क्या आ रहा है? जानकारी है कि शौविक से पूछताछ हो रही है और बासित की 9 सितंबर तक हिरासत है एनसीबी को। देखिए, बासित और जैद को भी इसी तरह से पूछताछ के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लाई थी, उसके बाद उनको गिरफ्तार करके और कोर्ट में पेश किया गया। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या शौविक को भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो गिरफ्तार करेगी और कल उनको कोर्ट में पेश करेगी, क्योंकि शौविक वो किरदार हैं जिन्होंने जैद और बासित दोनों से न सिर्फ गांजा खरीदा है बल्कि दोनों ने इसको स्वीकार भी कर लिया है। सवाल अब सिर्फ ये है प्रीति, दो एंगल पर जाँच हो रही है। पहली तो ये कि सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत हुई है क्या उसमें भी कोई ड्रग्स का एंगल है? क्या सुशांत सिंह की मौत की वजहों में एक ड्रग्स भी है? क्या उनको जिस तरह से एक चैट सामने आई थी रिया चक्रवर्ती के साथ कि चार बूंद मिला करके चाय या कॉफी में दे दिया करो, तो क्या ड्रग्स का एंगल इसमें सुशांत सिंह राजपूत की मौत की वजह बना था? इसकी जाँच। दूसरी जो जाँच है, एक बड़े एंगल पर यह जाँच हो रही है कि क्या बॉलीवुड में जिस तरह से ड्रग कार्टेल की बात कही जाती है, मुंबई में बॉलीवुड के सितारों की बड़ी पार्टियों की बात कही जाती है, देर रात तक चलने वाली पार्टियों की बात कही जाती है, क्या उसमें ड्रग्स परोसा जाता था? क्या उसमें बासित, जैद या फिर कैजान सहित शौविक की भी उसमें भागीदारी थी? क्या शौविक जब ये मान चुका है कि वो पिछले 2 साल से बासित से संपर्क में था, बांद्रा के एक फुटबॉल क्लब में दोनों मिले थे, उसके बाद से लगातार वो उनको गांजा सप्लाई करता था, ड्रग्स के एंगल पर यह जांच बहुत जरूरी है कि क्या बड़े पैमाने पर दुबई से लेकर मुंबई तक वो जो जाल फैला हुआ है उसको क्रैक करने की कोशिश नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कर रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो 4-5 लोग हिरासत में लिए गए हैं। विवेक भी हमारे साथ है। विवेक, क्या शौविक की गिरफ्तारी के हालात पूरे पूरे बनते दिख रहे हैं? प्रीति, देखिए आपको बताना चाहेंगे कि शौविक और सैमुअल मिरांडा की गिरफ्तारी की तलवार लगातार लटकी हुई है। उसकी सबसे बड़ी अहम वजह यह है कि जिस तरीके से वासित का आज कोर्ट में पेश हुआ है, तो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने बाकायदा अपनी रिमांड कॉपी में इस बात का जिक्र किया है कि जब भी वासित और जैद को ड्रग्स चाहिए होते थे या ड्रग्स का कारोबार कहीं पर डिलीवरी करनी होती थी तो उसका इंस्ट्रक्शन जो है वो कोई और नहीं बल्कि शौविक चक्रवर्ती देता था। तो कहीं ना कहीं पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में शौविक चक्रवर्ती का नाम सामने आया है। वहीं सैमुअल मिरांडा ड्रग्स के छोटे पैकेट बनाकर उसे पार्सल करता था। तो ये इससे पहले जो रिमांड आई थी, इससे पहले जो डॉक्यूमेंटेशन थे उसमें कहीं भी शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा का नाम आधिकारिक तौर पर नहीं था, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि उसकी रिमांड में बकायदा शौविक का नाम है और बकायदा सैमुअल मिरांडा का नाम है। उसी के आधार पर आज उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो बहुत उम्मीद है, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक और खबर आ रही है। दरअसल खबर यह है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम के रिया चक्रवर्ती के घर पर छापेमारी के बाद अब रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। बताया गया है कि रिया के ड्रग्स डीलिंग में शामिल होने के शक पर एनसीबी की टीम यहां सबूत जुटाने पहुंची और एनसीबी की टीम ने ड्रग्स कनेक्शन की छानबीन के लिए जिन लोगों से पूछताछ की है उसे कई अहम सुराग तो मिले ही हैं, साथ ही रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक की बातचीत भी सामने आई है। और इस व्हाट्सएप चैट में दोनों भाई बहन ड्रग्स के लेन देन की बात कर रहे हैं और इस व्हाट्सएप मैसेज के सामने आने के बाद रिया और शौविक पर जांच एजेंसी का शिकंजा कस गया है। ड्रग्स मामले में रिया का नया मैसेज आया सामने। रिया और शौविक का ड्रग्स की लेन देन का मैसेज आया सामने। न्यूज 18 के पास रिया और शौविक की बातचीत वाला मैसेज एक्सक्लूसिव। अब शौविक की कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी। बीते दिनों रिया चक्रवर्ती और सुशांत के स्टाफ के कई लोगों की ड्रग्स चैट सामने आए थे।
इसके बाद इस केस में एनसीबी की टीम एक्टिव है। एनसीबी ने ड्रग्स, कागज और खरीद से जुड़े सबूत की तलाश में रिया और शौविक के घर पर छापे मारे, लेकिन रिया और शौविक की चैट सामने आने के बाद दोनों भाई बहन की मुश्किलें बढ़ गई। इस बातचीत में सप्लायर से ड्रग्स खरीदने की बात हो रही है। यदि पूछताछ में एनसीबी के हाथ कुछ पक्के सबूत लगते हैं तो शौविक की गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन इस मामले में जो सबसे नया व्हाट्सएप चैट सामने आया है वो बेहद ही गंभीर है। इस मामले ने रिया के दावों की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। न्यूज 18 को इस पूरी बातचीत का ब्यौरा मिला है, उसमें रिया और शौविक ड्रग्स के बारे में व्हाट्सएप चैट कर रहे हैं। ये बातचीत इसी साल 3 मार्च की है। इसमें रिया चक्रवर्ती शौविक से कह रही हैं कि हाँ बताओ। इसके बाद रिया लिखती हैं कि वो रोज 4 सिगरेट पीता है, इसी के मुताबिक प्लान बनाओ। इसके जवाब में शौविक लिखता है, क्या उसे भी बट चाहिए? रिया जवाब देती है, हाँ बट भी चाहिए। इसके बाद शौविक लिखता है, ओके फिर हमें 5 ग्राम बट चाहिए। इसके बाद एक और मैसेज में शौविक इसे और साफ करते हुए लिखता है, मतलब प्लीज डूब। डूब यानी ड्रग्स लेने वाली भाषा में सिगरेट। रिया और शौविक इस बात से जाहिर होता है कि रिया ड्रग्स के बारे में सब कुछ जानती थी। यही नहीं, इस बातचीत में ये भी साफ है कि रिया के भाई शौविक ड्रग्स के इंतजाम में माहिर था। रिया भी ड्रग्स का इंतजाम करने के लिए भाई से बेहचक बात करती थी। रिया ने न्यूज 18 से बातचीत में भले ही सुशांत के ड्रग्स लेने के दावे किए और खुद को पाक साफ बताया, लेकिन शौविक पर चुप्पी और उसकी कथनी और करनी का अंतर अब छुपा नहीं रह गया। आई एम विलिंग फॉर a blood test and I completely stand by the fact that I do not consume any kind of drugs. लेकिन रिया का ड्रग्स को लेकर ये बातचीत पहली नहीं है। इससे पहले भी न्यूज 18 ने ड्रग्स को लेकर रिया की व्हाट्सएप मैसेज का खुलासा किया था। लेकिन फिलहाल ड्रग्स के मामले में रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती के आसपास जांच एजेंसी का शिकंजा सबसे ज्यादा कस गया है। इससे पहले आए एक और चैट से खुलासा हुआ था कि शौविक ड्रग्स का इंतजाम अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी करवाता था। एनसीबी ने जिस ड्रग्स डीलर जैद को गिरफ्तार कर कोर्ट में उसकी रिमांड ली है उसने भी शौविक से जुड़े कई अहम सुराग दिए हैं। यही नहीं, 10 अक्टूबर 2019 के एक व्हाट्सएप चैट को भी शौविक के खिलाफ बड़ा सबूत माना जा रहा है। इसमें रिया के भाई शौविक एन नाम के किसी शख्स से बात करता है, जिसमें ड्रग्स की मांग करने पर शौविक कहता है, मुझे 5 मिनट दे दो। इस पर एन नाम का शख्स जवाब देता है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद शौविक लिखता है कि मेरा डीलर अभी संपर्क में नहीं है, मेरा दोस्त कुछ और नंबर भेज रहा है। शौविक फिर से मैसेज भेजता है कि बड के लिए यह बेहतर क्वालिटी का बड होगा। तो एन नाम का शख्स पूछता है कि यह काम करेगा भाई? एक चैट में शौविक लिखता है कि अगर तुम्हें जल्दी ना हो तो मैं कल तुम्हें हश भेज दूंगा। यहां पर हश का मतलब हशीश है। शौविक इसी दौरान एक और मैसेज भेजता है जिसमें लिखता है कि अभी गांजा भेज रहा हूं, लेकिन कितनी मात्रा? इस पर एन नाम का शख्स पूछता है कि कोई आइडिया है एक बट कितने की? तो शौविक जवाब देता है कि शायद 2 से 2500 प्रति ग्राम। इस पर एन कहता है कि चलेगा भाई, मैं हश के लिए इंतजार करूंगा। वो शख्स फिर मैसेज भेजता है कि अभी रात के लिए थोड़ा गांजा चाहिए। तो शौविक उसे ओके कहता है। शौविक फिर लिखता है कि कुछ नंबर भेज रहा हूं, करमजीत, राज, इनसे बात करो। इस चैट में एक जगह जैद का भी जिक्र आता है। चैट में एन नाम के शख्स शौविक को हश के लिए कुछ लोगों के नंबर देने के लिए शुक्रिया करता है। साथ ही लिखता है कि राज ने मुझे कॉल किया था, उसने कहा कि उसका आदमी फोन करेगा। जिस पर शौविक लिखता है कि ओके ब्रो, इंतजार करो, काम हो जाएगा। इस पर दूसरा शख्स थैंक्स भाई का मैसेज भेजता है। इसी दौरान शौविक मैसेज लिखता है कि शेन फ्लिंचर, जैद ये सब बड के लिए है, अगर कुछ काम नहीं बने तो इनका इस्तेमाल बड के लिए कर सकते हैं। जिस पर दूसरा शख्स लिखता है, ठीक है भाई, मेरा काम हो गया, लेने अंधेरी जा रहा हूँ। जाहिर है इस बातचीत में एक ड्रग्स का गिरोह नजर आता है और ये साफ होता है कि इस दलदल में रिया का भाई शामिल था, लेकिन ये सब अभी आरोप ही है। हालांकि इस बातचीत में सुशांत के पूर्व बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी के दावे को आधार मिलता है। न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक श्रुति मोदी ने रिया और शौविक पर ड्रग्स लेने का आरोप लगाया है। बताया गया कि श्रुति मोदी ने सीबीआई की पूछताछ में दोनों पर ड्रग्स लेने का आरोप लगाया। रिया और शौविक के ड्रग्स लेने के बारे में उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती को जानकारी थी। देखिए,
पिता होने के नाते उनको पता होता है कि उनका बेटा क्या कर रहा है, और ऐसा नहीं है कि उनकी बहनें कभी नहीं मिली, वो भी मिलती थी, तो डेफिनेटली उनकी जानकारी में होगा ये, और ये कहना गलत होगा कि उनको नहीं पता था। और जहाँ तक रिया और इनका उनके ब्रदर का सवाल है, वो भी डेफिनेटली पार्टी में पार्ट होती थी, और पार्टी जब होती है तो कोई भी अछूता नहीं रहता, ज़्यादातर लोग जो है उसमें होते हैं, तो ये कहना मुश्किल होगा कि वो अछूते थे। अब अगर रिया के ड्रग्स कनेक्शन की बात करें तो एनसीबी को इस मामले में पहली चैट 2017 की मिली। इसमें आरोप लगा कि 2017 से ही रिया ड्रग्स ले रही है। इस चैट में गौरव आर्या का भी जिक्र है। इसके बाद रिया की 2019-2020 की चैट में शौविक, जया साहा, श्रुति मोदी, सैमुअल मिरांडा, सिद्धार्थ पिठानी, आयुष आनंदी का नाम है, कुणाल जानी, ऋषभ ठक्कर और जैद समेत कई नाम भी सामने आए हैं। अब अगर सारे सुरागों को जोड़े तो ड्रग्स का पूरा सिंडिकेट सामने आता है। रिया के ड्रग्स चैट में सारी बातें होती थी। ये जिक्र भी होता था कि ड्रग्स का इंतजाम कौन करेगा। ड्रग्स के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था। इस ग्रुप का नाम NIFW रखा गया था। इस ग्रुप में आयुष आनंदी, सिद्धार्थ पिठानी, सैमुअल मिरांडा और रिया सहित कई लोग शामिल थे। ड्रग्स डीलरों से पूछताछ, इससे जुड़े कई लोगों की गिरफ्तारी और व्हाट्सएप में मिले सबूतों के बाद एनसीबी ने जिस तरह रिया और सैमुअल मिरांडा के घर छापे मारे, उसमें अब रिया और उसके भाई की मुसीबत बढ़ चुकी है। और अरुण इस वक्त हमारे साथ एनसीबी दफ्तर से जुड़े हुए हैं। अरुण, लगातार इस तरह से दिख रहा है कि किस तरह से शौविक और उसके साथ में जो ड्रग पैडलर्स हैं उन पर शिकंजा कस रहा है, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन है उसे कितनी देर हो चुकी है और उससे अभी तक क्या निकल कर आ रहा है सामने? देखिए, जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का दफ्तर है यहाँ तीसरी मंजिल पर है प्रीति, और वहाँ पर लगातार पूछताछ चल रही है। सवाल सिर्फ शौविक का नहीं है, सवाल अब यह है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने क्या शौविक को सिर्फ अभी पूछताछ के लिए बुलाया है, क्या उनको गिरफ्तार किया जाएगा, और ये उस बात पर निर्भर करता है कि शौविक के पास से क्या कुछ बरामद हुआ है। हालांकि जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्र हैं वो ये कहते हैं कि जरूरी नहीं कि आप खरीद फरोख्त में शामिल हों तभी आपको गिरफ्तार किया जाएगा या आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर आप उसमें मदद करते हैं, जिस तरह से व्हाट्सएप चैट में सामने आया है, और आपकी भूमिका संदिग्ध है, तो भी आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या शौविक अकेले गांजे या ड्रग्स की बात करता था, उसका कंजम्पशन करता था, या रिया चक्रवर्ती भी उसमें शामिल हैं? क्योंकि रिया का गौरव आर्या से जो चैट था वो सामने आया है। क्या रिया चक्रवर्ती भी ड्रग्स के इस पूरे गोरख धंधे में शामिल हैं? क्या सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत हुई है उसमें भी कोई एंगल है? क्या ड्रग्स ज़्यादा लेने या ड्रग्स मिला करके देने, इस तरह की बातों का भी कोई उस मौत से एंगल है? साथ ही साथ क्या मुंबई में बड़े पैमाने पर जो ड्रग्स की खपत की बात होती है, इस पूरी गिरफ्तारी से उस पर भी कोई असर होगा, कोई चोट लग सकती है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से? क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्र ये कहते हैं कि एक बड़ा नेक्सस है जिसको तोड़ना जरूरी है। तो क्या ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं, हिरासत में लेके पूछताछ हो रही है, ये बॉलीवुड के बड़े एक तरह से गोरख धंधे को तोड़ने के काम आएगा? अरुण, ये जो आप बता रहे हैं बड़ा नेक्सस है, ये उद्धव सरकार की नाक के नीचे नेक्सस चल रहा था, फल फूल रहा था, इस पर अब एनसीबी की निगाहें पूरी तरह से हैं। लेकिन विवेक, साथ ही सवाल ये कि रिया से जब ड्रग्स के लेने के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, और एक तरह से उन्होंने सेफ पैसेज लिया। उन्होंने कहा कि पूछा गया कि गौरव आर्य को आप जानती, उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं जानती, और साथ ही जब उनसे ये कहा गया कि आप इसके बारे में कैसे अपने आप को साबित करेंगी, तो उन्होंने कहा कि मैं टेस्ट के लिए तैयार हूं। लेकिन जो फैक्ट सामने आ रहे हैं, जो चैट सामने आ रहे हैं, वो उनके बयानों को दूसरी दिशा दे रहे हैं। विवेक, बिल्कुल सही कहा प्रीति आपने। देखिए, जब रिया चक्रवर्ती ने न्यूज 18 इंडिया से बातचीत की थी तो उस इंटरव्यू में साफ तौर पर कहा था कि उन्होंने ड्रग्स कभी जिंदगी में नहीं लिया है और वो ब्लड टेस्ट और किसी भी तरीके के टेस्ट के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन जैसे ही उनके इंटरव्यू के बाद कुछ व्हाट्सएप चैट सामने आए और जिसमें साफ तौर पर वो अपने भाई शौविक चक्रवर्ती से ड्रग्स की मांग कर रही हैं और बकायदा मैरिजुआना, यानी कि जिसे हिंदी में गांजा कहते हैं, उसकी मांग कर रही हैं, और दूसरे चैट में शौविक चक्रवर्ती सैमुअल मिरांडा से 16,000 रुपये की बातचीत भी कर रहे थे। फिर सावंत का जो बंदा है जो सुशांत सिंह राजपूत के घर में रहता था, उसके द्वारा पेमेंट की बातचीत भी हो रही है। तो ये कुछ ऐसे व्हाट्सएप चैट से जो सामने आए हैं, जिसे ईडी ने जब उनका फोन को रिट्रीव किया था रिया चक्रवर्ती के, उस रिट्रीव में ये सारा डेटा सामने आया है। और अब जो सबसे बड़ी बात है कि जो आरोपी जो ड्रग पैडलर एनसीबी ने अरेस्ट किए थे, वासित और जैद, वासित की पूछताछ में वासित ने ये कबूल लिया है कि
शोभिक चक्रवर्ती के कहने पर ही वो ड्रग्स के पूरे कारोबार को करता था और शोभिक चक्रवर्ती ही उसे इंस्ट्रक्शन देता था कि कितना ड्रग्स किस किस को देना है। और साथ ही साथ जो सैमुअल विंडर का रोल बना है वो भी काफी चौंकाने वाला है। सैमुअल विंडर का रोल था कि वो ड्रग्स पैकेट से उसको धीरे धीरे सप्लाई करना है, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के पास ऐसे बहुत सारी लीड्स मिल रही है और इस लीड्स के जरिए ऐसे ऐसे लोगों के नाम सामने आएंगे जो वाकई में चौंकाएंगे, इस बात से नकारा नहीं जा सकता है। आप दोनों बने रहेगा इस बीच न्यूज 18 को एनसीबी की तफ्तीश की कई एक्सक्लूसिव जानकारियां हाथ लगी हैं जिसकी रोशनी में देखें तो सुशांत केस की दशा और दिशा पूरी तरह से बदलती नजर आ रही है और इस मामले की जांच में जुटी एजेंसियों को ड्रग्स कनेक्शन के एक के बाद एक इतने सबूत मिल चुके हैं कि खलबली मच चुकी है। आलम यह है कि हर गुजरते पल के साथ कई रिया और उसके भाई समेत कई लोगों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है क्योंकि एनसीबी के पास इतने पुख्ता सबूत हैं कि जिनके दम पर पकड़े गए लोग कानून का शिकंजा उन पर कसना तय है। ड्रग्स कनेक्शन में चौंकाने वाला पर्दाफाश, न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव तफ्तीश। सुशांत केस पर एनसीबी ने कसा शिकंजा, ड्रग्स कनेक्शन में कई बड़े नाम शामिल। फिल्म इंडस्ट्री के अलावा टीवी अभिनेता एनसीबी के रडार पर। सुशांत केस में ड्रग्स एंगल में जैसे जैसे एनसीबी की जांच आगे बढ़ रही है एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। रिया की व्हाट्सएप चैट ने एनसीबी के लिए इस मामले की तह तक जाने का रास्ता भी खोल दिया। जैद विलात्रा, वासित परिहार, कैजान इब्राहिम के अलावा एनसीबी का रडार रिया चक्रवर्ती, उसका भाई शौविक चक्रवर्ती, सुशांत का दोस्त सिद्धार्थ पिठानी और सैमुअल मिरांडा को भी एनसीबी पूरी तरह से खंगालने में जुटा है। इस सिलसिले में एनसीबी ने इन सभी के मोबाइल, लैपटॉप समेत सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अपने कब्जे में लेकर छानबीन के सिलसिले को आगे बढ़ा दिया है। सैमुअल मिरांडा और शौविक चक्रवर्ती से तो एनसीबी लगातार पूछताछ कर रही है, जबकि एनसीबी ड्रग्स डीलर जैद का मुंह खुलवाकर उसकी रिमांड लेकर आगे की पूछताछ कर रहा है। शौविक को लेकर के यहाँ पे गाड़ी जो है एनसीबी की निकल रही है, शौविक को लेकर के ये देखिए, शौविक को लेकर के ये देखिए, सीधी तस्वीर है, शौविक है, उसके साथ साथ एनसीबी की गाड़ी यहाँ पर निकली है, शौविक को लेकर के एनसीबी के तमाम सारे अधिकारी साथ में निकले हैं, एक दो लोगों को और भी लेके गई है पूछताछ के लिए। अब कौन से लोग हैं ये बताना मुश्किल होगा, लेकिन साथ घर से कुछ सामान भी लेकर गई है, हार्ड डिस्क और दूसरी सारी चीजें, इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये मामला कितना गंभीर है। ग्राउंड जीरो से न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक इस मामले में अभी तक कई और लोगों के गिरफ्तार तक एनसीबी के हाथ पहुंच सकते हैं। इन सभी लोगों से की गई पूछताछ में जो कुछ सामने आया है वो हैरतअंगेज भी है और चौंकाने वाला भी। हालांकि अभी तक एनसीबी को किसी के पास से ड्रग्स तो नहीं मिली, इसके बावजूद एनसीबी को इन सभी किरदारों के पास से मिले व्हाट्सएप चैट और मोबाइल कॉल डिटेल्स के आधार पर इन सभी पर कानून का शिकंजा कसने का पूरा अधिकार है। सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, फिलहाल जो सर्कमस्टेंस है इसको कोलैबोरेट करना पड़ेगा पूरे केस के लिए। इनको सारे को कोलैबोरेट करने के बाद फिर कितनी बार मंगाया है, कितना मंगाया है, क्या मंगाया है, डिपेंड करता है वो कितना है, तो उसके हिसाब से पूरी नारकोटिक्स को वो कंफर्म करना पड़ेगा, उसके बाद ही उनकी अरेस्ट वगैरह वो सारी चीज़ें उसी पर डिपेंड करती है। इस मामले का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि अब तक छानबीन में कई ड्रग्स के नाम सामने आ चुके हैं। रिया चक्रवर्ती के फोन से बहुत पहले ही ऐसे चैट मिल चुके हैं जिनमें से सैमुअल मिरांडा से और गौरव आर्या के नाम के ड्रग्स डीलर से नशे की सिगरेट डूबी के बारे में बात कर रही हैं। लेकिन अब जो ड्रग्स डीलर दबोचे गए हैं उन्होंने रिया और रिया के भाई के बारे में कुछ ऐसे राज फाश कर दिए हैं जो दोनों को कानून के दायरे में ला सकते हैं और सजा दिलाने का अधिकार बना सकते हैं।
एनसीबी की गिरफ्त में आए ड्रग्स डीलर जैद ने रिया के भाई शौविक के कई राज बेपर्दा किए हैं। ये जो कंजम्पशन है ड्रग्स का और ये जो कंजम्पशन है मैरुआना का, सुशांत यूज्ड टू स्मोक मैरुआना और आई एम श्योर कि उनके स्टाफ और उनके आसपास के लोग जो एक्चुअली वहां थे वो इस बात को भी बता पाएंगे। और यही बात इन लोगों को एनसीबी के शिकंजे में फंसाने के लिए काफी है, क्योंकि ड्रग्स के बारे में व्हाट्सएप चैट कानून की नजर में किसी सबूत से कम नहीं है। एनसीबी दिल्ली ने एक दो अफगानिस्तान के बंदे अरेस्ट किए थे, उनके स्टोमक में कैप्सूल थे, तो उसके बाद जो फोर्थ पर्सन अरेस्ट किया है वो उसके फ़ोन से दूसरे के फ़ोन में सिर्फ एक व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट है, उसके भी आप एनसीबी ने उसको अरेस्ट किया है और अभी 7th month हो चुके हैं, उसमें कंप्लेन फाइल हो चुकी है और अभी तक उसकी बेल नहीं हुई है। मतलब साफ है, शौविक और सैमुअल मिरांडा ने जिस तरह से बड ड्रग्स की न केवल डीलिंग बल्कि कई दफा ड्रग्स खरीदने का जिक्र उनकी व्हाट्सएप चैट में एनसीबी को नजर आया, इतना ही नहीं इन लोगों ने बकायदा कई दफा ड्रग्स पैडलर जैद से मुलाकात भी की, उसे ड्रग्स के बदले पैसा भी दिया, लिहाजा इस आधार पर दोनों की गिरफ्तारी मुमकिन है। और ये और बात है कि बाद में कोर्ट इनकी जमानत के बारे में फैसला करेगा। सुशांत सिंह की मौत की जांच में ड्रग्स का एंगल सामने आने के बाद ही यह अंदेशा जताया जाने लगा कि क्या ड्रग्स माफिया के तार हिंदी सिनेमा जगत में बहुत ही गहरे तक जुड़े हैं। अभी तक की तफ्तीश में कुछ ऐसे नाम एनसीबी के सामने आ चुके हैं जो नशे के इस खेल में लिप्त हैं। लेकिन अभी तक कई राज ड्रग्स पैडलर जैद, बासित और कैजान इब्राहिम के सीने में कैद हैं। इसके अलावा एनसीबी की सैमुअल मिरांडा और रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती से पूछताछ चल रही है। मतलब साफ है, इस केस की गहराई में झांकने पर कई ऐसे नामों पर भी रोशनी पड़ सकती है जो सिनेमा के चमकदार पर्दे पर अपने किरदारों के साथ चमकदार भी दिखते भले हों, लेकिन असल में वो नशे के गहरे दलदल में धंसे हुए हैं। सुशांत मामले में तमाम ड्रामे के बीच एक्टर कंगना रनौत भी लगातार सुशांत के पक्ष में सोशल मीडिया पर अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं और इस बीच कंगना ने एक ट्वीट करके शिवसेना नेता संजय राउत को करारा जवाब दिया है। कंगना ने संजय राउत पर उनको मुंबई न आने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए मुंबई लौटने का फैसला किया है। कंगना ने संजय राउत को चुनौती देते हुए ट्वीट में लिखा है कि जिसमें हिम्मत हो उन्हें रोक कर दिखाए। एक्टर कंगना रनौत ने ट्वीट किया है कि मैं देख रही हूं कि कई लोग मुझे धमकी दे रहे हैं, मैं मुंबई ना लौटूं तो मैंने फैसला लिया है कि मैं आने वाले 9 सितंबर को मुंबई के लिए निकलूंगी, मैं मुंबई एयरपोर्ट पर उतरने का वक्त बताऊंगी, किसी के बाप में हिम्मत है तो रोक ले। कल ही ये ट्वीट सामने आया था जिसमें कंगना रनौत ने आरोप लगाया था कि संजय राउत उन्हें धमकी दे रहे हैं कि वो मुंबई ना आए। कंगना रनौत को धमकी का मामला बढ़ता जा रहा है। कंगना ने जहां उन्हें मुंबई में ना आने की सलाह देने वालों को सीधी चुनौती दे दी है, तो वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने उनकी चुनौती को विरोधी पार्टियों की साजिश करार दिया और इसे मुंबई को बदनाम करने की साजिश बताया। इतना नहीं, संजय राउत कंगना की चुनौती का जवाब देने के मूड में भी दिख रहे हैं। उधर लगातार ये मामला तब गहराया जब कंगना का पहला ट्वीट सामने आया था जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि उन्हें धमकी मिल रही है कि वो मुंबई ना लौटें और ये धमकी सीधे सुने उन्होंने आरोप लगाया था कि शिवसेना नेता संजय राउत दे रहे हैं। लेकिन संजय राउत ने तब उनके इस आरोप का खंडन किया था। उन्होंने कहा, मुझे मालूम है किसे कितना महत्व देना है, लेकिन आज एक बार फिर से कंगना रनौत ने संजय राउत को निशाना लगाते हुए कहा है कि मैं मुंबई आऊंगी और मुंबई आने का समय भी बता दिया है, 9 सितंबर को वो मुंबई आएंगी। है। लेकिन उसको कौन धमकिया, उसको कौन धमकी देगा, जरूरत क्या है, कौन है ये? एक महिला है, उनका मैं आदर करता हूँ, कलाकार है, मैं आदर करता हूँ, लेकिन उनको धमकी क्यों दे? वो कह रही है सर कि किसी में अगर हिम्मत है तो मुझे रोके देगा। अरे अरे उसका बाप भी है ना, वो बिन बाप की है क्या? मैं बोलूंगा तो उसको बुरा लगेगा। अगर ये किसी का बाप निकालती है, क्योंकि वो महिला है, इसलिए अगर उसके खिलाफ कोई बोलेगा तो अपराध होता है। लेकिन ये महिला हाँ कुछ भी अनाप शनाप बोल रही है किसी के बारे में, ये चलता है क्या? कोई ना कोई कोई राजनीतिक दल या कोई पावर सेंटर उसको सपोर्ट करता है मुंबई के खिलाफ बोलने के लिए, इसलिए तो बोल रही है जी। लेकिन ये महाराष्ट्र जो है छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, ठीक है, आप बाप की भाषा करते हो तो ठीक है, देख लेंगे महाराष्ट्र को बाप है या नहीं।
उधर कंगना की चुनौती उनके लिए मुसीबत बढ़ाती जा रही है। महाराष्ट्र सरकार भी अब कंगना से नाराज हो गई है। गृहमंत्री अनिल देशमुख ने भी कंगना पर बड़ा हमला करते हुए साफ साफ कह दिया है कि कंगना को मुंबई में रहने का कोई हक नहीं है। पुलिस की तुलना ऐसी हालत में उनको महाराष्ट्र में रहने का, मुंबई में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और वही सुशांत केस में मुंबई पुलिस को घेरने के बाद एक्टर कंगना रनौत विवादों में घिर गई हैं। कंगना के मुंबई पुलिस पर वार पर एमएनएस ने उन पर हमला किया है। एमएनएस ने कंगना पर देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की है। आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती ऐसे बयान करते हुए? और हमारी जो मुंबई पुलिस है, जो 24-24 घंटा जिन्होंने मुंबई का रक्षण किया है, उस मुंबई के बारे में आप कहते हैं? मैं आपके इस आलोचना की आप में तीव्र शब्दों में इसकी निंदा करता हूं। मैं कंगना रनौत का निषेध करता हूं। आपको डॉक्टर की ज़रूरत है। आपको मैं कहना चाहूँगा, गेट वेल सून। आप प्लीज़ आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, नहीं तो अगर आपके पास कोई डॉक्टर है तो हमें बताइए, हम आपको अच्छा डॉक्टर की ढूंढ निकाल के हम आपकी ट्रीटमेंट करेंगे। तो एमएनएस तो सीधे सीधे कह रही है कि कंगना रनौत को मानसिक इलाज की जरूरत है और अच्छे डॉक्टर को उन्हें अपने आप को दिखाना चाहिए। इधर ग्राउंड जीरो से न्यूज 18 की पड़ताल में पता चला है कि सुशांत मामले की तहकीकात कर रही एनसीबी ने एक और ड्रग डीलर को अपने शिकंजे में लिया और इसके जरिए इस पूरे मामले में ड्रग से ताल्लुक रखने वाले किरदारों का सारा कच्चा छट्टा निकलने वाला है, सामने आ रहा है, जिसे एनसीबी जुटाने में लगी है। गिरफ्तारी के सिलसिले में ड्रग्स के नेटवर्क का ऐसा पूरा तुरुप का पत्ता भी एनसीबी के हाथ लग गया है, जिसके जरिए अकेले सुशांत मामले में नहीं बल्कि फिल्म और टीवी से जुड़े कई और बड़े नाम बेनकाब हो सकते हैं। सुशांत केस में ड्रग्स का सबसे बड़ा पर्दाफाश। ड्रग्स के सिलसिले में एक नई गिरफ्तारी। अब तक 3 ड्रग्स डीलर एनसीबी के शिकंजे में। ग्राउंड जीरो से न्यूज 18 के एक्सक्लूसिव पड़ताल। इस समय आप देख सकते हैं सैमुअल मिरांडा को एनसीबी ने हिरासत में लिया है। एनसीबी ने माना जैद नाम का तुरूप का पता मिला। सुशांत सिंह राजपूत केस में सबसे बड़ी खबर सामने आई है। इस केस में ड्रग्स के एंगल से मामले की तह तक पहुंचने में लगी एजेंसियों के हाथ नशे के कारोबार से जुड़ा एक तुरूप का पता हाथ लग गया है, जिसके जरिए न जाने एक के बाद एक कई राज अब तक फाश हो चुके हैं और ये सिलसिला बेधड़क जारी है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक एनसीबी ने ड्रग्स सप्लाई के सिलसिले में कैजान इब्राहिम नाम के एक और ड्रग्स पैडलर को पकड़ा है। इत्तेफाक देखिए कि कैजान इब्राहिम भी बैंड्रा में नशे का धंधा करता था और इसका भी इम्प्रेशन किचन एंड बार है और इस रेस्टोरेंट में कैजान पीआर एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करता था। न्यूज 18 इंडिया के एनसीबी सूत्रों के मुताबिक हाल ही में गिरफ्तार किया गया ड्रग पेडलर कैजान के रिश्ते पहले ड्रग पेडलर गिरफ्तार हुए जैद के साथ काफी अच्छे हैं। इस पूरे मामले में अब तक 3 लोग को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन इन तीनों की गिरफ्तारी से जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत मौत के मामले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं, उससे ज्यादा अहम है कि इन तीनों के रिश्ते हाई प्रोफाइल सोसाइटी में भी काफी अच्छे थे और एनसीबी सूत्रों का मानना है कि वासित, जैद और कैजान की गिरफ्तारी के बाद कई बड़े सेलिब्रिटीज का नाम का खुलासा हो सकता है। बेहद नाजुक और दिलचस्प मोड़ पर जा रहे सुशांत केस के बारे में खुद एनसीबी के अधिकारियों का कहना है कि जैद बिलात्रा की शक्ल में उनके हाथ कितना बड़ा तुरूप का पता लग गया है। अब जरा अब तक एनसीबी की पकड़ में आए ड्रग्स डीलर और उनके बीच रिश्तों की इस कड़ी को समझते हैं। जैद बिलात्रा का सीधा संबंध वासित परिहार से है। वासित परिहार की दोस्ती शौविक चक्रवर्ती से फुटबॉल क्लब में हुई थी। वासित का ही दोस्त कैजान इब्राहिम जो बांद्रा के रेस्टोरेंट में काम करता था। वासित और जैद मुंबई के बड़े ड्रग्स डीलरों में शामिल सोहेल के लिए काम करते थे। ड्रग्स के लिए वासित ने शौविक चक्रवर्ती को जैद का नंबर दिया था। शौविक ने सैमुअल मिरांडा से जैद को फोन करवाया था। मिरांडा ने ही 17 मार्च को जैद को 5 ग्राम ड्रग्स के लिए 10,000 रुपए दिए थे। वासित ने ही कैजान से शौविक को फुटबॉल क्लब में मिलवाया था। न्यूज 18 इंडिया सबसे पहले बांद्रा वेस्ट में मौजूद वासित के घर ब्लू फ्रेम अपार्टमेंट में पहुंचा था। यहां वासित के पिता से बात हुई। इस एक्सक्लूसिव बातचीत में वासित के पिता ने वासित और शौविक के बीच के रिश्ते का पूरा खुलासा कर दिया। पता यही चला कि दोनों के बीच 2 साल से अच्छी दोस्ती थी। यहां तक कि परिवार के बीच भी आना जाना शुरू हो गया था।
फुटबॉल क्लब से शुरू हुई दोनों की दोस्ती काफी गहरी होने लगी थी। मैं जानना चाहता हूँ ये वासित कौन है, आपके बेटे हैं, भाई हैं, कौन है ये? मेरा बेटा है, बोलिए ना। तो एक बार आपका पक्ष जानना चाहते थे, उनको क्या डिटेन करा एजेंसी ने, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने? एजेंसी ने क्यों उठाया? इसके शोभिक चक्रवर्ती संबंध सामने आए, रिया चक्रवर्ती के जो भाई है सुशांत सिंह, संबंध नहीं है जी, कोई संबंध नहीं है हमारे किसी के साथ, वो स्टूडेंट है। जाहिर है कि अब तक एनसीबी की पकड़ में 3 ड्रग्स पैडलर हैं, जैद, वासित और कैजान। 20 साल का जैद तो 9 सितंबर तक एनसीबी के हवाले रहेगा, क्योंकि 9 सितंबर तक एनसीबी ने रिमांड ले ली है। बढ़ती ठंड के बीच सैनिकों का जोश हाई, एलएसी पर पैनी नजर, चीन की हर चाल का जवाब देने के लिए पूरी मुस्तैदी। शाम 5:45 पर